ये अगर जो मैं हिंदू हूँ, मैं यहाँ पर सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह रहबर बरकात तो बोल देता हूँ, तो क्या आप जय श्री राम नहीं बोलेंगे? को भारत में घूमते हुए या सड़कों पर घूमते हुए या यूपी में कहीं जाते हुए डर लगता है? आपको लगता है कि आपकी कोई दाढ़ी खींच देगा, आपकी टोपी उतार देगा, ऐसा कुछ लगता है? अच्छा, भारत माता से क्या दिक्कत है? भारत में रहते हैं, भारत माता से क्या दिक्कत है? वंदे मातरम से क्या दिक्कत है? राम से क्या दिक्कत है? आप सभी लोगों को, ये मुसलमान के लिए है और कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ कुछ नहीं है। और नफरत फैलाने वाले हैं आप, सबसे ज्यादा नफरत आप फैलाते हैं। कभी आपको लगता नहीं कि वो गलत ले लिया आपने, क्योंकि आप तो मुस्लिम हैं? क्यों लगता है कि भारत के नागरिक नहीं है हम? अच्छा, यहाँ के मूल निवासी नहीं है हम? कैसी बात करते हैं आप? अच्छा, 370 की बात है, अगर जो कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर अब आपने देखा होगा, वहाँ व्यवस्था सही हो गई है, अब पथराव नहीं होता। वहाँ पहले पत्थर लेकर भागा करते थे लोग मिलिट्री के पीछे, अब वो सही हुआ है गलत हुआ? आप खुद नहीं देखते क्या? आप मेरे से कैसा सवाल कर रहे हैं? हाँ। आपको खुद नहीं नजर आ रहा है भारत के अंदर क्या हो रहा है, खास करके यूपी के अंदर क्या हो रहा है? ट्रेन के अंदर क्या दाढ़ी टोपी को देख करके गोली चला देता है एक सिपाही, ये नहीं आपको ख्याल आता? अच्छा अच्छा, हमें तो डर और दहशत सिवा अल्लाह के अलावा हम किसी के खाते नहीं है, लेकिन ये जो है हालात बन रहे हैं, जो हिंदू समुदाय के लोगों में जाते हैं, लोग वहाँ जाते हैं, जो जबरदस्ती नारेबाजी होती है उसके हम खिलाफ है, डर तो बिल्कुल लग रहा है। 2024 को लेकर अब राजनीति गर्मा चुकी है और कई ऐसे लोग हैं जो अब उल्टा पलटी कर रहे हैं, कोई बीजेपी में जा रहा है तो कोई बीजेपी से निकलकर समाजवादी पार्टी में। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि तमाम गठबंधन बन चुके हैं, लेकिन मायावती की बात चल रही है कि मायावती भी जल्दी ही गठबंधन में शामिल हो सकती है, ऐसा सूत्रों का कहना है। लेकिन आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ चांद जी मौजूद हैं, इनसे ज़रा बातचीत करते हैं कि 2024 की राय को कैसे देखते हैं। आखिर 2024 में दोबारा नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है या तीसरी बार हैट्रिक लग रही है, या फिर अब की बार राहुल गांधी और गठबंधन जो तैयार हुआ है वो अपना कुछ जोर दिखा पाएगा या अपना जादू चला पाएगा? भाई साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी बहुत बढ़िया, मेहरबानी आपकी। कैसे देखते हैं 2024? अब आ चुका है, धीरे धीरे राजनीति अब गर्मा चुकी है, तो क्या कहना चाहेंगे पूरी राजनीति पर? भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा, भाई पहले भी मैंने यही कहा कि आज देश के हालात को देखिए, जो गठबंधन है वो तरीका जो है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है। अच्छा। और उसके अंदर ये रास्ता निकलेगा, ऐसा नहीं है, लोग तराई तराई कर रहे हैं, भारत के अंदर आर्थिक स्थिति लोगों की ख़राब हो चुकी है। वो तो कुछ अंधभक्त कहूँगा मैं उनको, जो एक लहर बना रहे हैं झूठी, ऐसा नहीं है, बहुत मजबूती से गठबंधन चुनाव लड़ेगा और राहुल गांधी आने वाले PM होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छा, हाँ। 2019 के टाइम पर देखा होगा गठबंधन जीरो पे आ गया था, देखिए अब 2024 है, अब की बार फिर जीरो पे आएगा, तो कैसे देख रहे हैं? देखिए एक बात सुनिए सर, हाँ। क्या वहाँ दिल्ली के अंदर EVM के ऊपर लेकर के प्रदर्शन चल रहा है? क्या वहाँ हठधर्मी नहीं चल रही है? आप ये देखिए, ये सब EVM का खेल है। आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए ना, जब पूरे देश की जनता कह रही है इस बात को, आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, EVM का खेल क्यों हो रहा है? अच्छा। तो ये सब EVM का खेल है, जो EVM में हैकर हैं बैठे हैं सब वो कमाल है और कुछ नहीं है। अच्छा, विपक्ष अगर जो जीत जाता है तो EVM को वाहवाही कर देता है, और अगर जो हार जाता है तो EVM खराब है ये कह देता है? देखिए एक बात सुनिए, हाँ। आप जबरदस्ती कर रहे हैं, आपकी गलत बात है, हाँ। ये हालात कैसे बन रहे हैं, जब वोट दे रहा है आदमी, हाँ। और वोट नहीं उसको मिल रहा है, हाँ। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, तो ये आपकी ये गलत बात है, आप तथा कथित मीडिया हैं, आप गलत सवाल कर रहे हैं। अच्छा। आप ये हालात देखें ना, क्या हाल है, हाँ। क्या हालात है आज, विकास कहाँ है, हाँ। कहाँ है देश के लोगों के पास रोजगार, रोजगार के ऊपर बात करिए ना आप, हाँ। आप जो काम करना चाहता है उसे तो रोजगार मिलेगा, ऐसे थोड़ी ना होगा किसी को घर बैठे रोजगार मिल जाएगा, सरकार घर बैठे रोजगार देगी? नहीं, क्यों नहीं देगी? हालात जब खराब हो गए हैं, हालात के अंदर क्या है तो उसके अंदर देखना नहीं चाहिए आपको? आप बाहर आए हैं तो आप अपने काम के लिए आए होंगे ना, या सरकार आपको निकाल कर लेगा या आइए चलिए नगर निगम में आपका काम करवा दे? देखिए आप फिर गलत बात कर रहे हैं, गठबंधन बड़ा मजबूती से चुनाव लड़ेगा इस बार। क्या आपको भारत में घूमते हुए या सड़कों पर घूमते हुए या यूपी में कहीं जाते हुए डर लगता है? आपको लगता है कि आपकी कोई दाढ़ी खींच देगा, आपकी टोपी उतार देगा, ऐसा कुछ लगता है? देखिए मॉब लिंचिंग, हाँ, और जय श्री राम के नारे जबरदस्ती लगवाना, हाँ। ये तो एक आम बात हो गई है भारत के अंदर, हाँ। इसमें आप मेरे से सवाल क्या कर रहे हैं? आप इसका सवाल का जवाब खुद दें, बताइए क्या क्या नहीं हो रहा, हल्द्वानी में क्या हुआ, क्या नफरत की राजनीति नहीं हो रही है? अच्छा। भारत के अंदर नफरत की राजनीति नहीं हो रही है, हाँ। आप कैसा सवाल कर रहे हैं? आपको क्या लगता है मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना और मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाना सही है या गलत है? वो कोर्ट का मामला था, उस पर आप कोई सवाल ना करें, वो अलग मसला था, वो तो न्यायालय ने जो फैसला दिया वो सब लोगों ने माना है। आप मानते हैं सही हुआ वो? न्यायालय का फैसला माना है, लेकिन जो हमारे दिल में छाले हैं,
हमारी मस्जिद वहाँ थी, हमारी मस्जिद कयामत तक रहेगी और भारत के अंदर हमारे साथ न्यायालय ने जो फैसला किया उसे स्वीकार करते हैं। अच्छा। लेकिन दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो मंदिर मस्जिद तो तोड़ी गई थी, पूरी दुनिया ने नहीं देखा। हाँ। पूरे भारत के लोगों ने नहीं देखा कि वहाँ मस्जिद थी। सबूत भी तो निकले हैं वहाँ से, आपने सबूत नहीं देखे? बात सुनिए, सबूत क्या सबूत है? हमने न्यायालय के फैसले को माना है, आप जबरदस्ती उधर मंदिर पे क्यों हमसे बात कर रहे हैं? आप हमसे विकास के ऊपर बात की है, क्या बात कर रहे हैं आप? विकास में कहाँ कमी आ रही है आप बता दीजिए। रोड नहीं बन रही, पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही है, क्या समस्या आ रही है? आप एक बात सुनिए, ये क्या छल नहीं हुआ? अभी बच्चों की परीक्षा हुई थी पुलिस की, क्या वो पेपर लीक करा करके करोड़ों लोगों के साथ, लाखों लोगों के साथ छल नहीं हुआ वो? तो 6 महीने बाद दोबारा परीक्षा हो जाएगी, सरकार कह तो रही है। ऐसा क्यों है ये भी इस पर सवाल करना चाहिए ना आपको, इस पर सवाल करना चाहिए आपको। अच्छा, तो आपको लगता नहीं है कि ऐसे नफरत फैलाई जा रही है राम मंदिर को लेकर और क्या कहते हैं और सारी चीजों को लेकर? नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात कर रहा है, कोई नफरत नहीं है। हाँ। नफरत सिर्फ 2 वर्गों की है, सिर्फ मुसलमान के लिए है। हाँ। और कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं है। और नफरत फैलाने वाले हैं आप, सबसे ज्यादा नफरत आप फैलाते हैं। क्या आपको डर लगता है कि भारत में चलते हुए लोगों से, लोगों के पास जाते हुए, हिंदू के पास जाते हुए, मुस्लिम के पास जाते हुए आपको डर लगता है? देखिए मेरी बात सुनिए भाई, जो नफरत की राजनीति तथाकथित लोग भारत के अंदर फैला रहे हैं, ये सवाल आप उनसे करें। हमें तो डर और दहशत सिवा अल्लाह के अलावा हम किसी के खाते नहीं हैं। लेकिन ये जो है हालात बन रहे हैं, जो हिंदू समुदाय के लोगों में जाते हैं, लोग वहाँ जाते हैं, जो जबरदस्ती नारेबाजी होती है उसके हम खिलाफ हैं, डर तो बिल्कुल लग रहा है भाई। एक वर्ग विशेष को आप बिल्कुल टारगेट बना रहे हैं, क्या उसको नहीं दिखाना चाहिए आपको? इसे भी तो दिखाना चाहिए ना आपको। जबरदस्ती मेरे से सवाल कर रहे हैं। एक बात बताइए, अगर जो मैं हिंदू हूँ, मैं यहाँ पर सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह रहबर बरकात बोल देता हूँ, तो क्या आप जय श्री राम नहीं बोलेंगे? देखिए जबरदस्ती नहीं बोलेंगे, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम। हाँ। हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन अगर आप जबरदस्ती हमसे कहलाएंगे, हम कैसे कहेंगे? आप इसके ऊपर सवाल उनसे क्यों नहीं करते? तो आप भाईचारे पर बोल दीजिए ना। तो भाईचारा तो हिंदुस्तान के अंदर था और रहेगा। अच्छा, भारत माता से क्या दिक्कत है? भारत में रहते हैं, भारत माता से क्या दिक्कत है? वंदे मातरम से क्या दिक्कत है? राम से क्या दिक्कत है आप सभी लोगों? ये क्वेश्चन गलत है, इस समय क्वेश्चन नहीं आपको करना चाहिए। आप इत्तफाक की बात करें, इत्तेहाद की बात करें, ये गलत सवाल कर रहे हैं, ये तो पुराना हो गया, अब नई बात करें कोई। आप शिक्षा के ऊपर बात करें, आप रोजगार के ऊपर 400 पार पर बात कर लेता हूँ, बीजेपी सरकार कह रही है आपकी बार 400 पार। अरे भाई वो तो कहेंगे, उनके पास तो ईवीएम है ना, ईवीएम है। अच्छा, ममता बंगाल, ममता बनर्जी बंगाल में जीत गई तो वहाँ पर क्या ईवीएम का खेला हुआ? ईवीएम के ऊपर बात क्यों नहीं करते आप? ईवीएम के बाद ऊपर बात कीजिए। अच्छा चांद साहब, क्या आप फ्री राशन जो मिल रहा है योगी सरकार की तरफ से, जो सुविधाएं मिल रही हैं या जो घर मिल रहे हैं और सारी चीजें मिल रही हैं, क्या आप उसका फायदा लेते हैं या नहीं लेते हैं? भाई मैं तो किसी घर का फायदा नहीं लिया, लेकिन जो सरकार निकालती है योजना वो तो सबको मिलती है, इस पर क्यों सवाल करते हैं आप? आयुष्मान कार्ड बना आपका? हाँ बनाया, क्यों नहीं बना? तो कभी आपको लगता नहीं कि वो गलत ले लिया आपने, क्योंकि आप तो मुस्लिम हैं? क्यों लगता है? भारत के नागरिक नहीं है हम? अच्छा। यहाँ के मूल निवासी नहीं है हम? हाँ। कैसी बात करते हैं आप? अच्छा अच्छा, 370 की बात है, अगर जो कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर अब आपने देखा होगा, अब वहाँ व्यवस्था सही हो गई है, अब पथराव नहीं होता। वहाँ पहले पत्थर लेकर भागा करते थे लोग मिलिट्री के पीछे, अब वो सही हुआ है गलत हुआ? आप उस पर हमारे से बात न करें, जो हमारे प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया वो बहुत अच्छा किया। हाँ। उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, वो ठीक किया उन्होंने। अच्छा, जो काम ठीक किया है उसमें कोई हम नहीं बोलेंगे। अच्छा, मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? मोदी जी बढ़िया नेता है, अगर ये जो मतलब कहने का जो इनका अंधभक्त है उनमें सुधार पैदा कर ले तो मोदी जी बढ़िया नेता है। तो अंधभक्तों ने आपको ऐसा क्या परेशान कर दिया? आप खुद नहीं देखते क्या? आप मेरे से कैसा सवाल कर रहे हैं? हाँ। आपको खुद नहीं नजर आ रहा है भारत के अंदर क्या हो रहा है, खास करके यूपी के अंदर क्या हो रहा है? ट्रेन के अंदर क्या दाढ़ी टोपी को देख करके गोली चला देता है एक सिपाही, ये नहीं आपको ख्याल आता? अच्छा अच्छा, योगी जी को कह रहे हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, तो आपको क्या लगता है सही है गलत है? भाई योगी जी को प्रधानमंत्री बनाए, वो माननीय हमारे यहाँ के सीएम हैं। हम उनके बारे में कोई शब्द नहीं कहेंगे। मेरे से आप बात करें जिस पे ऊपर टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं। हाँ। उस टॉपिक पे बात करें, आपने गठबंधन में बात की। हाँ। गठबंधन बड़े मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है इस टाइम भारत के अंदर, और हमें उम्मीद है कि इस बार अनभक्तों को छोड़ के सब लोग इस बात का जवाब देंगे वोट से। अच्छा, आपने एक बयान देखा होगा, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अब की बार 2024 में अपनी लंगोट नहीं बचा पाएंगे क्योंकि 0 पर आ जाएंगे, तो कैसे देखते हैं? भाई देखिए, किसी के शब्द को कोई रोक नहीं सकता, कुछ भी कह दे। लोग तो पप्पू भी कह रहे हैं, क्या वो पप्पू है? वो भारत के राजा की औलाद है, उन्होंने कुर्बानियां दी है, उनके बड़ों ने कुर्बानियां दी है। इस देश को तोड़ने की बात न करें, जोड़ने की बात करें, इस पे बात करें आप। अच्छा, अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो उनको तो ये कहा जाता कि मुसलमानों के वो रहनुमा हैं, तो आखिरकार मुसलमानों ने अखिलेश यादव को क्यों पीछे छोड़ दिया? ऐसा क्या उनमें आपको नाराजगी दिख गई है? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या आजम खान साहब के साथ क्या हुआ?
आपको पता नहीं चल रहा कि भारत के अंदर कितने मुसलमानों को फर्जी मुकदमे करके कर जेल में काफी बोल रहे हैं अखिलेश यादव। कभी बोल रहे हैं अखिलेश यादव विपक्ष में रहकर भी बोल रहे हैं वो, तो इसलिए नकार दिया उनको। तो बीजेपी सरकार में तो आप खुल के चल रहे हैं, अब कहां दिक्कत आ रही है बीजेपी से? आप तो आराम से जा रहे हैं, सुबह शाम आराम से घूम रहे हैं सड़कों पर, रात में 12 बजे कभी भी चले जाएं, बहन बेटी कभी भी चली जाए, तो सुरक्षा से दिक्कत है क्या मुसलमानों को? देखिए सुरक्षा बहुत अच्छी हो रही है, इसमें कोई सवाल नहीं है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं खाली इससे राशन से या मकान से आयुष्मान कार्ड से भारत का काम नहीं चलता। अच्छा, ये दो आंखें हैं हिंदू और मुसलमान, जब तक के भारत के अंदर मोदी जी इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो ये टूट जाएगा। अच्छा। बस इसके बारे में और कोई सवाल नहीं कहूँगा।